आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको इन दोनों ईयरफोन्स में से। फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब, वेलकम टू अवर चैनल प्रणव सिंह। तो फ्रेंड्स आज मैं ये दो ईयरफोन लाया हूँ, एक तो ये मेरे पास है रेडमी की ईयरफोन और एक मेरे पास है ये सैमसंग की ईयरफोन। तो फ्रेंड्स आज इन दोनों के डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों ईयरफोन्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको इन दोनों ईयरफोन्स में से कौन सी ईयरफोन ज्यादा अच्छी लगी है। तो फ्रेंड जो ये मेरे पास एक रेडमी की ईयरफोन है ना, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले करी हुई है और अगर आपको इसकी पूरी अनबॉक्सिंग देखनी है, इसकी पूरी डिटेल देखनी है सिर्फ इसी ईयरफोन की, तो फ्रेंड आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अगर बाय करनी हो तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका ये रेडमी की ईयरफोन है और जो रेडमी की ईयरफोन है हमें इसमें नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है और जो है सैमसंग की ईयरफोन है हमें इसमें नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सैमसंग की ईयरफोन। और फ्रेंड्स अब ये इसका सेकंड पॉइंट है कि जो ये रेडमी की ईयरफोन है इसमें हमें स्टेड जैक नहीं मिलता है, टाइप एल का जैक मिलता है और जो ये ईयरफोन है सैमसंग की इसमें हमें स्टेड जैक मिलता है। तो जो ये स्ट्रेट जैक वाली ईयरफोन्स होते हैं जल्दी से डैमेज होते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रेट जैक वाली ईयरफोन होती है ना, इनके जो यहाँ पे जो वायर होते हैं ना, ये ऐसे मतलब जो ईयरफोन ज्यादातर ये वाली मुड़ती हैं तो इसलिए यहाँ के जो इसकी वायर होती है ये डैमेज होने लग जाती है, तो इसलिए ये वाली जो ईयरफोन है जल्दी खराब हो जाती है। और जो ये टाइप एल वाली एल जैक वाली ईयरफोन्स होती हैं ये इसलिए डैमेज नहीं हो पाती क्योंकि इनमें ज्यादा मुड़ने वगैरह का ऑप्शन नहीं है और ये एल शेप में आते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी है जो कंपनी देती है टाइप एल जैक वाली ईयरफोन। थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो रेडमी की ईयरफोन्स हमारे पास मतलब जो रेडमी की ईयरफोन्स होती है ना उनमें जब जैक से आता है एक वायर फिर उसके बाद यहाँ पे दो वायर सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद हमें ये जो वायर है ना इसी के अंदर एक बटन देखने के लिए मिल जाता है, तो उससे क्या है ये दोनों वायर इक्वली आती है। और जो ये सैमसंग की ईयरफोन्स होती है इनमें ये वाली ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो ये जब ये जैक से इसका वायर आता है और जैक से जब इसका वायर आता है तो ये जो बटन है ना इसका ये इसी में ही अटैच होता है, तो जो ये इसका बटन होता है ना इसके अंदर से ही दो वायर्स आती हैं, मतलब जो स्पीकर वाली वायर होती है ना वे आती हैं। तो देखिए एक तो ये बहुत छोटी वायर आ जाती है इसमें और एक इसमें ज्यादा बड़ी वायर दे देते हैं, ये आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। ये देखिए आप एक तो बहुत छोटी वायर है इसमें, एक जो स्पीकर की वो बहुत ही लॉन्ग वायर आ जाती है, तो ये इसका ये भी मुझे बेकार पॉइंट ही लगा है सैमसंग की ईयरफोन्स में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लेनी है तो रेडमी की ईयरफोन लो क्योंकि इसमें ज्यादा क्वालिटीज मिलती हैं, क्योंकि इसमें नॉइज कैंसिलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है और सैमसंग की जो ईयरफोन है इसमें देखिए नॉइज कैंसिलेशन का भी ऑप्शन नहीं मिलता, बाहर की आवाज आ जाती है सैमसंग की जो फोन होती है, लेकिन जो रेडमी की फोन होती है ना उसमें बाहर की आवाज नहीं आती है क्योंकि इसमें ये जो ईयरबड्स है ना ये लगे हुए आते हैं। और जो मैंने आपको यही बताया था कि और मुझे इसकी यही क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें दोनों एक से ही वायर आते हैं, ये देखिए ये सेम वायर है तो इन्हें जब वियर करते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें टाइप एल का जैक आता है, ये भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है एमआई की ईयरफोन्स में, तो ये तीनों ही क्वालिटी अच्छी आई है। और इसमें देखिये तीनों ही क्वालिटी बेकार है सैमसंग की ईयरफोन में कि ये स्टेड जैक आता है और ये नॉइज कैंसिलेशन में नहीं आती है। ये जो ईयरफोन है ये ज्यादातर सैमसंग के फोन्स में ज्यादातर यही वाली ईयरफोन्स आ रही हैं। और देखिए ये इसमें एक छोटा वो मिल जाता है हमें स्पीकर का जो वायर होता है एक छोटा मिलता है और एक इसमें लॉन्ग लेंथ में मिल जाता है, तो ये जो बटन है ये बिल्कुल मुंह के पास आ जाता है इसमें, ये भी एक माइनस पॉइंट है। लेकिन ये इसलिए दिया है क्योंकि जो इसमें माइक होता है जब हम कॉलिंग वगैरह पे करते हैं इससे प्रॉब्लम नहीं आए, इससे ये हो जाता है। और फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जो रेडमी की ईयरफोन्स होती है ना इसमें वायर थोड़ा हार्ड आता है जिससे ये इलजती नहीं है ईयरफोन्स, ये अपने आप ही सुलझ जाती हैं ज्यादातर ईयरफोन्स ये वाली रेडमी की जिसमें ऐसे वाले वायर आते हैं। और जो ये एमआई जो ये वाली ईयरफोन है ना सैमसंग की उसमें ये जो वायर आता है वो थोड़ा सॉफ्ट वायर आता है जिससे कि ये इलज जाती है ईयरफोन्स। अभी वीडियो बनाई होगी तो उसमें भी इलजी थी ईयरफोन्स आपने देखा होगा, पहले तो सैमसंग की इलजी थी लेकिन ये वाली अपने आप सुलझ गई थी क्योंकि इसका जो वायर आता है ना वो थोड़ा हार्ड आता है, जब आप ईयरफोन को रखते हो तो वो अपने आप सीधी हो जाती है, तो इसमें ये वाला पॉइंट भी मुझे काफी अच्छा लगा है।
और इसका फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो रेडमी की ईयरफोन्स होती हैं इनमें वियर करने में भी ये काफी आसानी से पहनी जा सकती हैं, निकलती नहीं है जल्दी। लेकिन जो ये सैमसंग की ईयरफोन होती हैं ये कानों में से निकल जाती हैं, क्योंकि जो इनके आगे से साइज होता है ना वो काफी मतलब साइज काफी बड़ा होता है, और ये इतना बड़ा नहीं होता, ये काफी छोटा साइज होता है इसका, तो ये पहनने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। तो फ्रेंड्स बस यही थे इसके 5 पॉइंट्स, जो मुझे अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि सैमसंग की ईयरफोन आपको लेनी चाहिए या फिर आपको रेडमी की ईयरफोन लेनी चाहिए। दोनों ईयरफोन्स में से जोन से भी आपको अच्छे लगे आप वो वाली ले लीजिए। दोनों ही ईयरफोन्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और अगर आपको बाय करनी है ले लीजिए। ये कुछ ऐसी आती है 400-399 के करीब की ईयरफोन, और जहां तक मुझे याद है मैं ये भी मैंने सर्विस सेंटर से ही बाय करी थी। ये जो ईयरफोन आती है ये कुछ ऐसी आती है 300 अप्रोक्स 300 आती है मेरे हिसाब से। तो ये 1 साल हो गया मुझे लिए, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन अप्रोक्स 300 आती है। लेकिन जो ये सैमसंग की ईयरफोन है ना, इसमें आपको 2-3 जगह के ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। एक तो ये देखिए, एक तो जो ये इसका यहाँ पे इसका स्पीकर होता है, एक तो देखिए यहाँ पे इसमें सैमसंग लिखा हुआ आता है दोनों तरफ, और जो एक इसकी एक बटन होता है ना, एक यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ आता है। लेकिन जो इस रेडमी की होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे ये जो जैक है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही रेडमी लिखा हुआ आता है, यहीं पे रेडमी लिखा हुआ आता है। तो ये थोड़ा मतलब ब्रांडिंग से फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। और जो ये रेडमी की ईयरफोन होती है इसमें काफी अच्छा बेस आता है, मैंने यूज करी हुई है दोनों ईयरफोन, और इसमें ज्यादा बेस नहीं आता है अच्छा, क्योंकि ये नॉइज कैंसिलेशन ईयरफोन नहीं है जो सैमसंग की ईयरफोन है, और ये नॉइज कैंसिलेशन ईयरफोन है, इसलिए जो ये वाली ईयरफोन है इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से बेस और साउंड वगैरह आता है। मैंने इक्वलाइजर भी ऑन करा है जब मैंने ये दोनों ईयरफोन्स यूज करी थी, तो जो रेडमी की ईयरफोन्स थी उसका स्पीकर तो फिर भी सही था, लेकिन जब सैमसंग की करी थी ना, इन दोनों का स्पीकर इसका स्पीकर थोड़ा थोड़ा फटने लग गया था जब इक्वलाइजर मैंने ऑन करा था। तो ये थे इन दोनों के डिफरेंस मैंने आपको बताई दिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन बताना आप दोनों ईयरफोन्स में से कौन सी बाय करेंगे, और दोनों ईयरफोन्स में से आपको कौन सी ईयरफोन ज्यादा अच्छी लगी है। तो थैंक यू। और फ्रेंड्स अगर वीडियो में थोड़ी पिक्चर क्वालिटी वगैरह में या ब्लर वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा प्लीज एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं जो है ना अभी सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल से ही वीडियोज वगैरह बना रहा हूँ, तो आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा।